so good morning everyone how are you doing today i hope you are doing well and you are doing great at your home and doing your study so today in this video i am going to start your new uh, topic your new kingdom that is uh, fungi as you know very well that in the previous session we have uh, we discussed about uh, your two kingdoms like uh, firstly we discussed about uh, monera and then second was a protista now in this video we are going to discuss about fungi so what are the different characteristic of fungi in this session we will learn okay so let's let's get started with the new topic okay so as you can see over the screen that uh, you have to understand what do you mean by fungi and what are the different characteristic of the fungi kingdom okay so you know uh, you studied in your previous class that what are the uh, basic uh, uh, characteristics of the fungi. As you know that uh, fungi, uh, fungi are uh, you can say fungi are fungi, or we can say fungi are uh, heterotrophic organisms uh, because they shows a uh, heterotrophic uh, characteristics like uh, they depend on the other organisms for their food. Uh, so they can show like uh, some uh, nutrition like saprophytic, like uh, parasitic, like. Uh, सिम बायोटिक एसोसिएशन दे कैन सो सो वी वी हैव टू नो अबाउट द लाइन टू लाइन वी हैव टू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड द लाइन टू लाइन मीनिंग ऑफ द दिस टॉपिक ओके सो लेट गेट स्टार्टिंग विद द लाइन टू लाइन टॉपिक सो एज यू कैन सी हेयर द फर्स्ट लाइन इज द फनजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हैट्रॉफिक ऑर्गैनिज्म ये तो अभी आपको पता है कि फनजाई जो होती है वो हैटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का जो uh, ऑर्गेनिजम्स होती हैं हेटोटॉफिक जो कि दूसरे पे डिपेंड होती हैं फॉर दियर फूड सो वो वाला ये शो करते हैं फंजाई सो so, बाकी दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजिकल एंड हैबिटेट अगर उनकी स्ट्रक्चर को देखा जाए मॉर्फोलॉजिकली मीन्स कि उसको बाहर से अगर हम देखें आउटर अपीयरेंस उसके देखें तो किस तरीके से हमें वो मिलने वाली है सो so, अभी आप देखेंगे कि वहाँ पे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी वेन योर ब्रेयर डेवलप्स ए मोल और योर ऑरेंज रोथ इट्स बिकॉज ऑफ़ फंजाई, यस आपने देखा है कि जो ब्रेड होती है उसके ऊपर फंगस लग जाती है सो so, वो जो फंगस होती है हालांकि फंगस का नाम तो राइजोपस होता है राइजोपस और जो कि आपने देखा है कि ऑरेंज कलर की एक मोल्ड उस पर लग जाती है तो वो किसकी वजह से है फंजाई की वजह से ओके सो वेन योर द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोर्ड स्टूल आर ऑल्सो फनजाई कॉमन मशरूम जो कि आप नॉर्मली खाते हैं Uh, जो कि एग्रीकस होता है और जिसको कॉमनली हमने आपने देखा होगा कि टोड स्टूल दैट मीन्स की स्नैक्स uh, अम्ब्रेला uh, जिसको हम गांव में बोलते हैं कि सांप की, uh, की छतरी जो होती है सो so वो होता है टोड स्टूल तो आप लिख सकते हैं आपके टोड स्टूल क्या होता है कि सांप की, की छतरी सो so वो भी क्या है है नॉर्मली हम एग्रीकस को जो खाते हैं uh, जिसको हम मशरूम बोलते हैं तो वो भी क्या है फंजाई वायर वाइट स्पोर्ट सीन और मस्टर्ड ऑलीस आज ड्यू टू तो ए पैरासाइटिक फंगस अभी मैंने आपको बताया कि जो किंगडम फंजाई है फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हैट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं सो वो एज़ ए पैरासाइटिक भी न्यूट्रिशन शो करते हैं तो इसीलिए वो, तो वो बीमारियाँ भी करते हैं ओके जैसे कि पे बताया कि जो मस्टर्ड की लीव्स होती हैं वो जो कलर उनके पास एक वाइट स्पॉट बन जाते हैं वो पैरासाइटिक फंगस की वजह से होता है क्योंकि वो डिसीज़ करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए उन पर रहते हैं सो अगर मैं सम समयनीलुलर फंजाई लाइक

अदर फंजाई कॉजेज डिसीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि जो ब्रेड वाले बियर वाले वहाँ पर फंजाई जो यूज़ होते हैं जैसे कि ईस्ट होता है जो कि एक एक्सेप्शनल केस होता है क्योंकि फंजाई में सभी ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं मल्टी सेलुलर बट यहाँ पर क्या है कि जो ईस्ट है वो यूनी सेलुलर होता है बट फिलामेंटस बॉडी होती है उसकी कुछ कैरेक्ट्रिस्टिक्स हिस्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो वो यहाँ पर फनजाई के अंदर आता है सो so, अगर मैं बात करूँ कुछ और फंगस की तो डिसीज़ भी करते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स के अंदर एनिमल्स के अंदर वो एज ए पैथोजन का काम करते हैं क्योंकि वो डिसीज़ कॉजिंग होते हैं उस टाइम पर तो जैसे कि अगर एक, एक एग्जाम्पल की बात करें दैट इज़ वाइट रस वीट रस्ट जो वीट होता है जो गेहूं होता है उसमें बीमारी जो लग जाती है राइट कस्ट कॉजिंग सो दैट इज़ अ फंगस कौन है वो पक्सीनिया देखो फंजाई जो होता है वो प्लूरल वर्ड होता है और फंगस जो होता है वो सिंगुलर वर्ड होता है एक के लिए बात करें तो फंगस और अगर काफ़ी ज़्यादा के बारे में एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं सो वी यूज़ अ फंजाई सो पक्सीनिया एक जो बीमारी करने वाला है जो वीट के अंदर कुछ ऐसे ही कुछ और भी फंगस हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं बेनिफिशियल होते हैं एडवांटेजेस होते हैं उनके फ़ायदे होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम आपने पढ़ा है नाइन्थ क्लास में कि एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज़ होता है पेनिसिलियम जो आपको कि आपको पता है कि एट एलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने यूज़ किया था बताया था पेनिसिलिन के बारे में बायोटिक के बारे में जो कि फंगस से बना था सो फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन एंड अकॉर्ड इन एयर वाटर सॉयल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यस yes, कि जो कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह मिलने वाले हैं कि इंडिया में भी हैं और अमेरिका में भी हर जगह ये मिलते हैं और हर एक लोकेशन पे ये मिल सकते हैं और हर एक इन्वायरमेंट में ये मिल सकते हैं जैसे कि एयर में भी मिलते हैं वाटर के अंदर मिलते हैं सोइल एनिमल्स के ऊपर क्योंकि एनिमल्स पे डिसीज करते हैं तो वहाँ पर भी ये देखने को मिलती है आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी के ऊपर या आपकी जो नैक होती है वहाँ पर कुछ रैशेज बन जाते हैं तो वो भी फंगस की वजह से बीमारियाँ होती हैं सो ऐसे ही प्लांट्स के ऊपर भी होती हैं सो ये एज ए पैरासाइटिक और पैथोजन का काम भी करते हैं सो दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस अगर इनकी लोकेशन की बात करें यानी इनके हैबिटेट की बात करें तो वार्म एरिया में ये ज़्यादा मिलेंगे आपको देखने के लिए और ह्यूमिड वाले थोड़े नमी वाले जगह पर ज़्यादा मिलेंगे जैसे कि आचार आप देखते हैं आचार के अंदर पिकल जो होता है आपका खाने का सो so उसके अंदर भी फंगस लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर नमी अगर पहुँच जाती है तो वो फंगस ग्रो कर जाते हैं सो नेक्स्ट इज़ हैव यू एवर वन डव है फूड इन द रेफ्रिजरेटर ये तो आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर क्यों हम रखते हैं फूड को क्योंकि ताकि उनके ऊपर फंगस ना लग जाए बैक्टीरिया इंफेक्शन ना हो बाकी वी हैव डन दिस पैराग्राफ नाउ दिस इज द सेकंड पैराग्राफ जस्ट यू नीड टू नो विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच विच आर यूनिसेलर ईस्ट जो होते हैं जो कि जस्ट आई अलियोटोल यू कि ईस्ट कैसा है यूनीसेलुलर फंगस है ओके okay? बट बाकी सभी फंगस कैसे होते हैं मल्टी सेलुलर लेकिन यही एक ऐसा है जो कि यूनिसेलुलर uh, होता है सो फंजाई आर फिलामेंटस आर यूनिसेलर फंजाई कैसे हैं अगर ईस्ट को छोड़ दें बाकी जितने भी फंजाई वो सभी फिलामेंटस बॉडी वाले होते हैं फिलामेंट की तरह एक बॉडी होती है उनकी जो कि देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कार्ड हाइफी अगर मैं स्ट्रक्चर की एक बात करूँ दैट इज एक मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है या एक ऐसी स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा दूँ सो so ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये दिस वन दिस वन सो दिस इज कार्ल्ड हाइफी तो ये हाइफी होते हैं जो कि सिलेंडर लाइक -like, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इनको हम हाइफी बोलते हैं द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज़ नोन एज माइजीलियम अगर मैं बात करूँ मान लीजिए ये काफ़ी सारे मैं यहाँ पर फंगस बना दूँ तो ये क्या है यहाँ पर एक नेटवर्क बन जाता है काफ़ी सारे अगर हाइफ़ी एक जगह हैं तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड माइजीलियम सो द नेटवर्क चीज़ फोम्ड बाई द डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन और डिफरेंट डिफरेंट हाईफे वैन कम टूगेदर सो एक स्ट्रक्चर बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं माइजीलियम सो सम हाईफी आर कॉन्टीन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लियस साइटोप्लाजम कुछ हाईफीज जो होते हैं उनमें होता क्या है कि कंटिन्यूस टिक ट्यूब बन जाती है विद मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाजम मान लीजिए एक हाईफी है और इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस ये एक न्यूक्लियस ये एक न्यूक्लियस ये एक न्यूक्लियस तो मल्टी न्यूक्लियर एक हाइफ़ी हो गया है काफ़ी सारे न्यूक्लियस उसके अंदर देखने को मिलेंगे विद द साइटोप्लाज्म एक लिक्विड भी मिलेगा उसमें साइटोप्लाज्म मिलेगा देखने को सो दीज आर कॉल्ड सीनोसाइटिक हाइफी यानी एक से ज़्यादा जो न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट है मल्टी न्यूक्लियर उसके अंदर प्रेजेंट है तो एट मीन्स इट इज़ कॉल्ड सीनोसाइटिक हाइफ़ी काफ़ी सारे न्यूक्लियस होने की वजह से ओके सो अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी सेप्टा देखो सेप्टा का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक बड़ा लंबा एक रूम है मान लीजिए एक रूम है और इस रूम को अगर मैं जस्ट डिवाइड इनटू टू टू सो हाउ विल आई डिवाइड आप मैं इसमें एक लाइन खींच दूंगा तो एक वन रूम सेकंड रूम तो दो रूम यहां पर बन जाएंगे तो मैंने क्या किया बीच में एक लाइन खींची है दैट मीन्स कि एक सेप्टा खींचा है एक पार्ट बना दिया है एक दीवार बना दी है दैट मीन्स कि इसको हम बोलते हैं सेप्टा तो कुछ के अंदर सेप्टाज होते हैं जिस और कुछ के अंदर नहीं होते मान लीजिए अगर मैंने हाइफा बनाया साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस है सो ये कैसा है क्या इसमें सेप्टा है नो no, सेप्टा नहीं है पार्ट नहीं है पार्टीशन नहीं हो रहा है यहाँ पर दैट मीन्स कि ये है सेप्टेट ये है ए सेप्टेट ए सेप्टेट दैट मीन्स कि बिना सेप्टा वाला लेकिन अगर मैं इसमें पार्टीशन कर दूँ दैट मीन्स कि सेप्टा बना दूँ ये पार्टीशन हो गए हैं so, सो इस, इसको हम बोलेंगे सेप्टेट हाइफा तो सेप्टेट मतलब जिसमें सेप्टाज होंगे ओके सो अदर हैव सेप्टाज और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी द सेल वॉल्स फंगज आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स यस इफ वी टॉक अबाउट if i talk about the cell wall composition so cell wall of the fungi are composed of chitin and polysaccharides chitin kya hota hai kyunki chitin and polysaccharide ek dusre se correlate karte hain ki chitin ki agar main baat karu to chitin jo hota hai wo uh, पोलीसेक्राइड ही होता है बट बायोपोलीमर्स होते हैं बायोपोलीमर्स in the sense कि काफ़ी सारे मोनोपोलीमर्स जुड़ जुड़ के biopolymers बना लेते हैं so polysaccharide और इससे मिलकर ये बना होता है जो कि एक थोड़ी hard शेल बना देता है जो बॉडी होती है थोड़ी हार्ड हो जाती है तो इसकी वजह से काइटिन की वजह से वो हो जाती है ओके सो नेक्स्ट पैराग्राफ ओके सो नेक्स्ट पैराग्राफ दैट इज मोस्ट फंजाई आर हेटोटॉपिक

ओके okay, जैसे आपने देखा है कि अभी टॉड स्टूल की बात की थी सांप की छतरी की बात की तो वो आ, सड़ी गली चीज़ों के ऊपर ही डेड एंड डी मटेरियल के ऊपर ही होता है दैट मीन्स कि वो कंडीशन कौन से हैं वो उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स को जो इन चीज़ों पे रहते हैं सड़े गली चीज़ों पे उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स और ये जो पूरा न्यूट्रिशन है जो मेथड है sap, आ, अपने फूड लेने का जो तरीका है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इस एसोसिएशन को हम जो बोल रहे हैं तो वो क्या होता है सेप्रोफिटिक कंडीशन या न्यूट्रिशन चलो बात ये तो हो गया कि जो डेड सब्सट्रेट से अपना फूड लेते हैं तो उनको हम सेप्रोफाइट्स से बोलते हैं लेकिन अगर हम बात करें दोज दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स अगर लिविंग चीज़ों से देखो अभी डेड एंड डिकेट से ले रहे हैं तो सेप्रोफाइट्स होते हैं लेकिन अगर वो फंगस जो कि अपना फूड किसी प्लांट्स या एनिमल से ले रहे हैं लेकिन वो दोनों के दोनों कैसे होंगे लिविंग मान लीजिए एक प्लांट लिविंग है सरसों का मस्टर्ड है उसके ऊपर फंगस आ रहे हैं तो अपना फूड ले रहे हैं वो बीमारियां तो उनको कर रहे हैं लेकिन अपना फूड भी तो वहाँ से ले रहे हैं ठीक है तो वो क्या हो जाएगी एसोसिएशन ऐसे एनिमल के ऊपर भी हो रहा है तो ये क्या होंगे वो आ, उनको हम बोलते हैं इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैरसाइटिक न्यूट्रिशन और इन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो इस तरीके से फूड लेते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट्स दे कैन ऑल्सो लिव एज ए सिम बायोन्स सिम का मतलब आपको पता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जहाँ पर म्यूचुअली दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स बेनिफिटेड होते हैं फॉर एग्जांपल कि एल्गा जब एल्गा फंगस एक साथ रहते हैं तो एक एसोसिएशन बन जाता है कि स्ट्रक्चर बन जाती है एक न्यू फॉर्मेशन चीज़ें बन जाती हैं है। तो उसको हम बोलते हैं लाइकेंस जो कि आपको पता है लाइकिन क्या होते हैं इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन इट इज़ ए एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गा ओके okay. और अगर हम बात करें माइकोराइजा तो माइकोराइजा क्या होता है कि जहाँ पर फंगस एंड प्लांट्स प्लांट्स के जो रूट होती हैं यानी प्लांट्स होते हैं और फंगस होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा तो दोनों की दोनों चाहे हम लाइकेन की बात करें चाहे कोई माइकोराइजा की बात करें दोनों ही एक रिलेशनशिप होते हैं जो कि फंगस और एल्गा के बीच में होगी तो लाइकेन होगा फंगस और रूट्स के बीच में होगी प्लांट्स की तो उसको माइकोराइजा बोलेंगे और जो कि बेनिफिशियल होती हैं तो इनको हम बोलते हैं सिम्बायोट्स ओके okay. और ये जो कंडीशन है तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप uh, है म्यूचुअली बेनिफिटेड वाली तो उसको हम बोलते हैं सिम रिलेशनशिप नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्शन व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव मेथड्स दे यूज फंगस यूज सो वो क्या है रिप्रोडक्शन इन संजाइव जो कि वेजिटेटिव भी होता है ए होता है और आपको पता है तीसरा सेक्शुअल भी यहाँ पर देखने को मिलेगा सो इफ़ आई टॉक अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मी वेजिटेटिव so, रिप्रोडक्शन में वहां पर हमारा यूज होता है फीसन एंड बडिंग बडिंग मतलब कि जैसे मान लीजिए फंगस है और इसमें एक छोटी सी बड बन जाए दैट मीन्स कि एक फेबरेबल कंडीशन आने पर ये बड़ अलग हो जाएगी और नया पूरा एक फंगस बना लेगी ओके सो फिशन भी आपको पता है जैसे फिशन में एक एक से दो बन जाते हैं तो माइटोसिस के थ्रू तो वहां पर भी वो बनता है एंड ए सेक्शुअल ए स्ट्रक्चर्स भी होती हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स यूज होते हैं जैसे कॉनिडिया होता है एप्लानो प्लानो स्पोर्ट्स होते हैं और जू स्पोर्ट्स होता है मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर सो so, यह है यहाँ पर स्पोर्ट्स फर्स्ट इज कॉनिडिया कोनेडिया होता क्या है कि आ, ये स्पोर्ट्स होते हैं लेकिन कैसे स्पोर्ट्स होते हैं ये नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं ठीक है नॉन मोटाइल का मतलब जो मूव नहीं कर सकते तो वो उस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स uh, होती हैं स्पोर्स होती हैं उनके अंदर मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं दिस टाइप सो यहां पर मैं काफी सारे स्पोर्स uh, लगा दूं तो ये हो जाते हैं कोनिडिया। तो ये फेवरेबल कंडीशन में जब इनमें एक्सप्लोजन होता है फट जाते हैं तो नया फंगस बन जाता है देन uh, जो कि कोनिडिया हम इसको बोलते हैं स्पोरन एक स्पोरेंजिया होती है एक स्पोरजे फोर ये तो होता है स्पोर फोर क्योंकि स्पोरंज फोर का मतलब कि ऐसी ऐसा एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्पोरेंजियम लगी होती है स्पोरेंजियम का मतलब ये लगी होती है और स्पोरेंजियम के अंदर बंद होती हैं स्पोर्स, तो स्पोन्जे फोर ये हो गया जिसके ऊपर लगे हैं स्पोर्स ओके फिर अगर मैं बात करूँ सेक्शुअल जू स्पोर्ट्स के बारे में सॉरी तो जू देखो जहाँ पर भी जू लग जाता है दैट मीन्स कि एनिमल्स की बात हो रही है और एनिमल्स क्योंकि मूव कर सकते हैं क्योंकि प्लांट नहीं कर सकते जू मतलब एनिमल्स एनिमल मूव करते हैं तो ये वो स्पोर हैं जो कि मोटाइल होते हैं मोटाइल का मतलब जो चल सकते हैं मूव कर सकते हैं सो तो ये जू स्पोर भी होते हैं तो इनके थ्रू भी जू स्पोर्ट्स बने होते हैं जो स्पोर्ट्स एक्सप्लोजन होता है और उसके थ्रू नए आ, फंगस बन जाते हैं फिर आता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सो so, उसी के भी कुछ मीन्स हैं जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है दैट इज़ ओ स्पोर्ट्स एसकस स्पोर्ट्स एंड बेसीबी स्पोर्ट्स जो कि आपको फर्दर नेक्स्ट इसके जो टाइप्स आएंगे जो कि फर्दर ग्रुप्स आएंगे किंगडम uh, मोनेरा के सॉरी किंगडम फंजाई के तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि uh, जो द वेरियस स्पोर्ट्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कार फ्रूटिंग बॉडीज एक फ्रूटिंग बॉडीज़ बन जाती हैं अभी मैंने आपको बताया एक स्ट्रक्चर है और एक फ्रूटिंग बॉडीज़ बन जाएंगी यहाँ पर तो वो जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होंगी वो उनसे बनेंगे हमारे क्या बनेंगे हमारे न्यू फंगस ओके okay? जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है लेकिन वो स्पोर्ट्स कैसे बनते हैं वो देखने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा कुछ सेक्सुअल uh, साइकिल sex, होती हैं रिप्रोडक्टिव वो कौन कौन सी साइकिल्स इसके अंदर आती हैं तो यहाँ पर हमने सेक्सुअल साइकिल जो होती हैं फंगस की उसको थ्री स्टेप्स में डिवाइड किया वी हैव डिवाइडेड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मैथड और साइकिल इन टू थ्री डिस्टिंगट स्टेप्स फर्स्ट दैट इज प्लाजोगैमी देखो प्लाज्मोगी प्लाज्मा मतलब लिक्विड यानी प्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म आपने सुना है तो जिसमें गैमी मतलब गैमेट का बन जाना है यानी कि एक तरीके से क्या यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर फ्यूज़न होता है डिफरेंट डिफरेंट जो फंगस हैं उनके हाइफे आती है उनके बीच में आ, मान लीजिए एक फंगस दूसरी फंगस इनके अंदर ये लिक्विड है ये अंदर प्रोटोप्लाज्म है तो दोनों के दोनों एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे तो क्या होगा है? इस कंडीशन में जहाँ पर प्लाज्म एक दूसरे से फ्यूजन कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगी तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव साइकिल सेक्सुअल साइकिल में प्लाज्मोगी होती है प्लाज्मोगी के बाद फिर कैरियोगैमी होती है और उसके बाद फिर होती है हमारी म्योसिस वाली कंडीशन म्योसिस का मतलब जिसको हम बोलते हैं रि रिडक्शनल डिविजन तो थ्री स्टेप्स हैं सेक्सुअल साइकिल की फर्स्ट विल बी प्लाज्मोगी सेकेंड विल बी कैरियोगी एंड लास्ट वन इज मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन अभी मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है फर्स्ट है प्लाज्मोगेमी सो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमिट्स का प्लाज्मोगी चाहे वो मोटाइल वाले गैमिट्स हों चाहे नॉन मोटाइल वाले गैमिट्स हो जब उनके बीच में प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगी सेकेंड इसके बाद जब देखो प्लाज्म प्लाज्म जो होता है प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज़ कर जाता है तो उसके बाद क्या होने वाला है तो उसके बाद अब होता है न्यूक्लियस के अंदर गैमी फॉर्मेशन मीन्स कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूक्लियस हैं न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज फ्यूज़न करते हैं एंड देन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोगी तो कहीं पर भी अगर कैरी लग जाता है जैसे कि यहाँ पर है कैरी कैरियो कैरियो मीन्स हमेशा बायोलॉजी में जब कहीं पर भी अगर कैरियो वर्ड आता है तो दैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं कहीं पर भी अगर कैरियो आ जाता है सो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में तो कैरोगी मीन्स फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई ओके तो प्लाज्मोगैमी के बाद फ्यूजन होती है कैरोगी बनता है और सॉरी प्लाज्मोगैमी के बाद फिर दूसरी प्रोसेस होती है कैरोगी होता है एंड देन इसके बाद जब कैरोगी हो जाता है टू न्यूक्लियस बन जाते हैं आ, मतलब फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसके बाद फिर लास्ट आता है डिप्लोइड क्योंकि डिप्लोइड स्ट्रक्चर बन जाती है और हमें बताया कि हमें स्पोर्स बनाने हैं लास्ट में तो म्यूसिस होगा म्यूसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन हम कहाँ पर कराते हैं जहाँ पर टू एन वाली स्टेज हमारी आ जाती है टू एन का मतलब होता है डिप्लोइड स्ट्रक्चर डिप्लोइड सेल तो हमेशा हमें जब भी स्पोर्स बनाने हों जैसे हम अपनी भी बात करें ह्यूमन बींग्स की तो वहाँ पर भी हमारे गैमिट्स होते हैं स्पम्स होते हैं और एग्स होते हैं तो वहाँ पर भी हमें म्यूस कराना होता है तो क्योंकि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो उसको हैप्लोइड में चेंज करना क्योंकि हैप्लोइड हैप्लोइड जब मिलते हैं तभी जाकर डिप्लॉयड बनता है तो बेबी कब बनता है जब एग और स्पम मिलते हैं हैप्लोइड हैप्लो मिलते हैं तो टू एन स्ट्रक्चर आ जाती है तो सेम ऐसे ही इनके अंदर भी है कि जब टू न्यूक्लियस बन जाते हैं तो टू न्यूक्लियस बनने के बाद स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी टू एन वाली सो टू एन वाली को हमें बनाना है एन में चेंज करना है तो एन में चेंज कैसे होगा तो वहाँ पर हमेशा हैप्लोइड चीज़ करने के लिए हैप्लोइड बनाने के लिए डिप्लोइड से तो हमें हमेशा कौन से डिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी कौन सा डिवीजन चाहिए मियोसिस हमें मियोसिस की जरूरत पड़ेगी हमेशा तो मियोसिस से रिड्यूस हो जाएंगे टू एन वाली एन में चेंज हो जाएगी नेक्स्ट आते हैं आपके सो so, तीनों हमारी स्टेप्स हो गए हो गई हैं प्लाजोगी कैरियोगी एंड म्योसिस अब आता है कुछ चीज़ें और थोड़ी सी कंडीशंस आ जाती है कि व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लोइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मैटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज हमें यह पता है कि फंगस जब रिप्रोड्यूस करता है सेक्शुअली तो होगा क्या कि दो हैप्लोइड स्ट्रक्चर्स जैसे हमारे यहाँ होता है हैप्लोइड एग और फिसम आते हैं सेम यहाँ पर भी वही है कि हैप्लोइड स्ट्रक्चर्स यानी कि हाइफा दो हाइफा एक दूसरे के साथ हाइफा आपको पता है जो कि सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर थी एक हाइफ़ा ये है दूसरा हाइफा मान लीजिए मेल फीमेल तो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ मैच हो जाते हैं कंबाइन कर जाते हैं मेटिंग हो जाती है उनके बीच में और उनके बीच में फ्यूज़न हो जाती है ओके फिर क्या होता है इन सम फनजाई अगर कुछ फनजाई की हम बात करें तो वहाँ पर द फ्यूज़न ऑफ टू हैप्लोइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लोइड सेल्स कुछ में क्या होता है कि फ्यूजन होता है हैप्लोइड सेल्स का एंड देन एकदम से वहां पे क्या बन जाती है क्योंकि हेप्लोइड है देखो एन प्लस एन इज इक्वल टू टू एन टू एन का मतलब डिप्लोइड एन का मतलब हैप्लोइड जब हैप्लोइड हैप्लोइड मिलते हैं तो बन क्या जाता है डिप्लोइड स्ट्रक्चर बन जाती है तो सेम यहाँ पर भी वही है कि जब फंगस के फ्यूजन करती है तो हैप्लोइड हेप्लोइड स्ट्रक्चर्स मिलकर डिप्लोइड यानी टू एन स्ट्रक्चर बना लेती हैं हाउएवर इन अदर फनजाइ एस्कोमाइट्स एंड बेसिडोमाइसिड्स एन इंटरवेनिंग डायकोरेटिक स्टेज जी हाँ ये एक नई टर्म आती है डाई कैरियोटिक स्टेज देखो डाई मींस टू डाई मींस टू कैरियो आ गया यानी न्यूक्लियस की बात हो रही है यानी कि वो स्टेज जब एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाए एक ही सेल के अंदर जब दो न्यूक्लियस हों दोनों के दोनों मान लीजिए स्ट्रक्चर है एक सेल है ही फंगस का एक हाइफी है आप अभी हमने क्या देखा कि फ्यूजन हो गई थी मेल और फीमेल की यानी कि गैमेट्स के हेप्लोइड की तो एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस लेकिन दोनों के दोनों एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हैं तो यहां पर होता क्या एस्कोमाइसिड्स एंड बेसिडियोमाइसिड्स वाले जो फंगस होती हैं जो कि आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में तो एक ही सेल के अंदर जब दो न्यूक्लियस वाली स्टेज आ जाए यानी एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस वन टू तो उसको हम बोलते हैं डाई स्टेज एन प्लस एन देखो ये भी एन है हैप्लोड सेल ये भी एन हैप्लोड है सेल मान लीजिए मेल या फीमेल तो दोनों एक साथ हैं तो दोनों के दोनों लेकिन अलग है अभी फ्यूज नहीं हुए हैं अभी एक दूसरे से अटैच नहीं हुए हैं लेकिन एक ही सेल के अंदर दोनों है तो ये स्टेज होती है डाई स्टेज लेकिन आगे क्या होगा आ, फिर क्या होता है कि जो डाइकोरटिक स्टेज है यानी एन प्लस एन वाली जिसको हम बोलते हैं टू न्यूक्लियाई पर सेल एक सेल के अंदर टू न्यूक्लियाई फिर क्या होता है इसके बाद तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाय कैरियोन डाइकैर चूंकि आपका दिख यहाँ पे लिखा है डाइकैरियोन एंड द फेज इस कार कैरियो फेज जो कि आपको पता है इजिली मैंने बता दिया कि डाई कैरियो फेज इस फेज को हम बोलेंगे जहां पे दो न्यूक्लियस होंगे एक ही सेल के अंदर डाई कैरियो फेज ओके दफर बाद में क्या होता है जब ये कंडीशन आती है ऐसा नहीं कि ऐसे ही रहेंगे उसके बाद बाद में ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज़ कर जाएंगे दोनों एक साथ मिल जाएंगे और स्ट्रक्चर होती चली जाएगी वो 2n वाली अभी तक एक ही सेल में दो थे दोनों हैप्लोइड हैप्लोइड थे लेकिन बाद में क्या होगा लेटर कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करने के बाद टू स्ट्रक्चर बन जाएगी सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि टू एन स्टेज पहुंच चुकी है डाई कैरियो फेज के बाद और फिर क्या होगा जैसे ही टू एन वाली स्टेज आएगी तो आपको पता है जब भी टू एन वाली स्टेज आती है तो क्या होता है द फंगल फंजाई फॉर्म फ्रूडिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन आकर मैंने बताया था तीन स्टेज थी प्लाज्माग्यामी कैरियोगी एंड म्योसिस तो अब हमारी टू एन वाली स्टेज आ गई यानी कैरियोगी भी हो गई है कैरोगी हो गई तो अभी हमें म्यूसिस कराना है तो म्यूसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीज़न क्योंकि हमारी टू एन स्टेज हो चुकी है अब एन टू एन को हमें एन एन में चेंज करना स्पोर्स है यानी स्पोर्ट्स बनाने हैं तो अब हमारा होगा म्यूसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन रिडक्शन डिवीज़न होते के साथ ही हमारा क्या होगा जो स्पोर्ट्स होंगे फंगस के वो हो जाएंगे एन वाले स्पोर्ट्स हैप्लोइड स्पोर्ट्स और हैप्लोइड स्पोर्ट्स आपको पता है जब भी हैप्लोइड हेप्लोड मिलते हैं तो वो टू एन बनते हैं तो ये सेक्चुअली साइकिल जो हमारी चलती रहती है तो हमारा क्या है यहाँ पर हैप्लोइड स्पोर्ट्स बन गए हैं टू एन से रिडक्शन डिवीज़न के बाद सो आई होप कि आपको समझ में आ गया बाकी नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इस आ, डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमने डिवाइड किया है कि किंगडम फनजाई को हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड किया लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ़ किसके बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ माइजीलियम मॉर्फोलॉजी कैसा माइजीलियम होता है माइजीलियम याद रखना ये जो नेटवर्क होता है हाई वी काफ़ी काफ, सारे हाइड जब एक जगह मिल जाते हैं हाई तो उसको हम बोलते हैं माइजीलियम uh, फिर इसके बेस पर हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के ग्रुप आएंगे फंगस के मोड ऑफ स्पोर्ट्स फॉर्मेशन किस तरीके से स्पोर्ट्स बनते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स उनको देखने को मिलेंगे जैसे एप्लानो स्पोर्ट्स जू स्पोर्ट्स कोनीडिया फ्लूटिंग बॉडीज जो बनती हैं एंड फॉर्म द बेस सो ये हमें देखने को मिलेंगे सो आई होप कि आपको इंटरेस्ट uh, आया होगा इस लेक्चर के अंदर अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अगर कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है सो प्लीज़ कमेंट कीजिए मैं उसको नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर दोबारा से ट्राई करूँगा आपको समझाने की सो थैंक यू सो मच स्टे होम स्टे सेफ